हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड आज है डे 3 और आज का जो हमारा प्लान है वो है रानी की वाव एक्सप्लोर करने का। और हम लोग सुबह सुबह 5 बजे उठे थे, उसके बाद हम लोगों ने फ्रेश वगैरह हुआ, लेकिन यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। 11 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, मतलब मुंबई में रहने को इतनी ठंड की आदत अब रही नहीं है। बट एनीवेज हम लोग रानी की वाव आ चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो आगे चलते हैं, बाकी की बात आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो रानी की वाव है, उसकी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा। बट पहले नज़ारे देखो, फिर मिलते हैं। फाइनली जैसे कि मैंने बताया, हम लोग सुबह निकले थे और अभी हम है रानी की वाव में। सो इसके बारे में पहले आपको मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो ये जो रानी की वाव है, ये पहला ऐसा स्टेपवेल है, स्टेपवेल बोलते हैं इसको, बावड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं। सो ये पहला ऐसा स्टेपवेल है जो कि रानी ने बनवाया है। और देखा जाए तो बाकी के जितने भी स्टेपवेल्स हैं इंडिया में, वो सब अपने राजा ने अपनी रानियों के लिए बनवाया था, लेकिन दिस वन, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये रानी ने अपने राजा के लिए बनवाया था। सो किसने बनवाया था ये मैं आपको बताता हूँ। सो रानी उदयामती ने अपने राजा के लिए, जो कि भीमदेव, उन्होंने अपने राजा के लिए बनवाया था उनकी याद में, क्योंकि वो जब लड़ाई करने गए थे देन वो वहाँ पे वापस नहीं आ पाए थे, बिकॉज क्योंकि वो लड़ाई हार गए थे। तो राजा ने इसके बारे में सोचा था कि वो स्टेपवेल बनवाएंगे, लेकिन वो उनका सपना पूरा नहीं हो पाया, तो रानी ने ये सपना पूरा किया था। सो ये इसकी एक स्पेशलिटी है। सो चलिए बाकी की चीज़ें आपको अंदर अंदर बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दीवारों पर बहुत अच्छी अच्छी कार्विंग्स की हुई है, स्कल्पचर्स जो हैं बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, एक जो मूर्ति है उसने चप्पल पहनी हुई है तो मतलब ये बहुत पुराना वाव है, रानी की वाव है, और उसमें भी देखा जाए तो चप्पल उस टाइम पे उन्होंने बनाई है। जैसे कि हम नॉर्मल चप्पल पहनते हैं ना, वो रबर वाली चप्पल जिसे बचपन में पिटाई होती थी वो वाली चप्पल उन्होंने पहनी हुई है, वैसी टाइप की। तो चलो और बाकी चीज़ें आपको नीचे चल के बताता हूँ मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छा दिखने वाला भी है, मिलते हैं आपको नीचे। सो जो यहाँ पे जितने भी स्कल्पचर्स हैं, अगर देखा जाए तो 500 स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो कि स्मॉल हैं, एंड मोर देन 1000 स्कल्पचर्स ऐसे हैं जिनकी की हाइट थोड़ी सी बड़ी है, मतलब मीडियम साइज़ है और एक बिग साइज़ है। तो ये स्कल्पचर्स पूरे आपको वॉल पे नीचे देखोगे तो मिल जाएंगे। उसके अलावा काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट काइज़ की नक्काशी की हुई है यहाँ पे, मतलब कि आप देखो कपड़े का डिज़ाइन कैसा होता है उस टाइप में नक्काशी की हुई है यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा फ्रेम दिखाया है। सो जिसको पटोला वर्क बोलते हैं, अगर आप देखोगे ड्रेसेस वगैरह में, जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं उसमें कैसे ऐसे मतलब स्क्वायर टाइप में कुछ बनाया होता है, तो वीडियो आप देखो, ये इस टाइप का भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो स्कल्पचर्स हैं उसमें 24 विष्णु जी के रूप हैं, एंड जिनके की 8 अवतारों के भी स्कल्पचर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। एंड जो स्टेप वेल है उसकी जो लेंथ है वो 70 मीटर्स है, इसकी विड्थ जो है 23 मीटर्स है, एंड डेप्थ गहराई है वो 28 मीटर है। उसके अलावा यार ये जो बावड़ी है रानी की जो वाव है, ये 7 साल तक पानी में मतलब मिट्टी में दबी हुई थी, क्योंकि कुछ क्लाइमेट की वजह से यहाँ पे बाढ़ या कुछ तूफान आया था जिसकी वजह से पूरा मिट्टी में ये दब गया था। उसके बाद यहाँ पे खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे रानी की वाव है। उसके बाद इसको फिर 2014 में यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया, तो ये भी एक यूनेस्को साइट है। तो सो गाइस अगेन, यहाँ पे आप अगर आते हो तो प्लीज़ डोंट लिटर दिस प्लेस, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको वापस से पेनल्टी हो सकती है, नहीं तो फिर जेल भी हो सकती है। उसके अलावा जो यहाँ का जो कुआँ है, वेल जो है, जो मेन वेल है, सो उसकी खासियत ये है कि
इसको बनाया गया था एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि सारी जड़ी बूटियाँ होती थी पहले। अभी तो ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है तो इसके अभी नहीं है, लेकिन जब पहले उस टाइम पे यहाँ पे ऐसी जड़ी बूटियाँ होती थी जिनकी कि आपके जो भी डिजीज़ होती थी, नॉर्मल डिजीज, कोल्ड वगैरह, कफ वगैरह, मतलब ये बेसिकली जो आपको बीमारियाँ होती थी वो सब ठीक हो जाती थी वो पानी पीने से। तो उस पानी में कुछ नेचुरल हर्ब्स का वो पानी होता था जिसकी वजह से आपकी बीमारियाँ दूर हो जाती थी। और अभी तो वो नहीं है बेसिकली, क्योंकि उसको बहुत दिनों बाद इसको खुदाई करने के बाद इसको निकाला था, तो वो अब वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है एंड अभी उसको बंद भी कर दिया है, वो अब एक पॉइंट के बाद आगे नहीं जा सकते हैं। और उसके बाद एक नीचे गाइड मिला था हमें जो कि बता रहा था कि यहाँ पे एक ही ऐसी फैमिली बची है जो पटोला ड्रेस का जो डिज़ाइन है, जो वर्क है, वो एक ही फैमिली बची है पूरे इंडिया में जिनको वो पता है। तो अगर हम देखते हैं, वो इधर पास में ही है, उनके पास अगर हमें जाने का मौका मिलेगा तो वो हम दिखाएंगे आपको। एंड जो पूरी जो वर्क है वो पूरा नेचुरल कलर से होता है। जो आजकल के कलर्स आते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, लेकिन वो जो है पूरा नेचुरल केमिकल फ्री होते हैं वो, जैसे कि अपना फ्लावर्स हो गया या फिर हमारा मतलब जो कलर्स उनमें होते हैं फ्रूट्स वगैरह में, तो उनसे कलर्स को निकालते हैं देन वो उसमें आर्ट वर्क में यूज़ करते हैं वो लोग। मिलेगा पूरा डिजाइन, वो पूरी साड़ी के लंबे तार हो जाएंगे तैयार, उसके बाद आड़े तार हो जाएंगे, जैसे दोनों तार सेम मिला का पूरा पटोला बनता है। 5 से 6 महीने में पटोला साड़ी तैयार, ऐसे ही डबल ही कट पटोला ओरिजिनल कहता है, जो 1.5 लाख 1.5 लाख से स्टार्टिंग होता है। अच्छा, वो साड़ी का प्राइस, साड़ी का सामान्य साड़ी होगी तो 1.25 लाख से स्टार्ट होगी, और जितनी भी मेहनत और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो वो 1.5 लाख 3 लाख 4 लाख। अच्छा, बढ़ता रहेगा जितना जितना 8 लाख तक बनेगा। अच्छा, ऐसे ही पूरा पाटन पटोला साड़ी बनता है। ऐसे दो आता है डिज़ाइन में, जब आगे तो तुम बता देंगे साड़ी पूरी मैं वो साड़ी बता दें। हाँ, ये दुपट्टा है 55,000 का आएगा। कितने का बोला आपने? 55,000। अच्छा, सिंपल वाली साड़ी 15,000 की। भी चीज़ें हैं इंडिया में वो जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो दिस इज़ थम्स अप गाइस, तो इसके लिए लाइक तो बनता है गाइस। और उसके अलावा भी हम जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो धोलावीरा होगा, तो यहाँ से मैं साइन ऑफ करता हूँ आपको, मिलूँगा सीधा बाइक पे अभी, क्योंकि सामान पैक करके ब्रेकफास्ट करके हमें निकलना है, मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो बाइक हमने रेडी कर ली है और हम लोग निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए जो कि है धोलावीरा। तो यहाँ से करीब 250-300 किलोमीटर के आसपास है एंड टोटल टाइम जो बता रहा है वो है 4 घंटे के आसपास। एंड अभी का टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11:15 बज गए, तो थोड़ा सा हम लोग लेट हैं क्योंकि हमारा प्लान था 10:30 बजे तक निकलने का, लेकिन रानी की वाव से आने के बाद थोड़ा सा हमने फ्रेश फ्रेश हुए, चाय वगैरह पी एंड देन हमने बाइक रेडी की, उसके बाद निकल रहे हैं। अभी मिलते हैं आपको बाइक पर, तब तक बने रहिए क्योंकि धोलावीरा यार गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है वो, तो मज़ा आएगा एक्सप्लोर करने में। मिलता हूँ आपको, मैं थोड़ा बाइक पे चलते हैं क्योंकि अभी खाना भी नहीं खाया, अभी लंच का टाइम भी हो रहा है, भूख लगी है, तो मिलते हैं आपको सीधा वहीं।